हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सावन में पेड़ पौधे लगाकर हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। महादेव और माता पार्वती सृष्टि के कण कण में विराजमान है और कुदरत से यानी नेचर से इन्हें बहुत प्यार है, इसलिए आप भी घर में ले आएं ये पौधे। मिलेगी हर काम में सफलता, घर में होगी बरकत और सुख समृद्धि का वास। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो देख सकें आप सबसे पहले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वास्तु के मुताबिक कोई भी ऐसे 6 पौधे लगाएं या इनमें से कोई एक भी लगाएं तो भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। रुद्राक्ष का नाम आपने सुना ही होगा। रुद्राक्ष को भगवान शिव का रूप माना जाता है। ये पौधा चमत्कारिक होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष से जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और हर कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। ठीक उसी तरह से रुद्राक्ष का पौधा भी काम करता है। ये बहुत आसानी से नर्सरी से मिल जाएगा। आप इसे घर पर लगा लीजिए, इससे बहुत लाभ मिलते हैं। ये एक तांत्रिक पौधा माना जाता है। अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आने लगती है। दूसरा पौधा है शमी का पौधा। शिव से लेकर शनि देव तक यह पौधा सबको प्रिय होता है। आप इसे लगाएंगे तो घर में सुख शांति का वास होगा। इसकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव से लेकर गणेश जी, शनि देव जी को ये बहुत प्रिय है। अगर आप इस माह की जो शिवरात्रि अब आएगी, जो इस माह की शिवरात्रि को आप ये पौधा लगाते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह दोष कम हो जाते हैं। इसलिए उस दिन विशेष तौर पर इस पौधे के पास दिया जलाएं, पूजन करें। तीसरा पौधा है भांग का। भांग महादेव को बहुत प्रिय है। ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। यह बहुत सी बीमारियों को, रोगों को ठीक करती है। सावन में इसे ज़रूर लगाएं। इसके एक या दो पत्ती को दवाई के रूप में सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब मैं बेल के पौधे की बात करती हूँ। बेल पत्र से हम शिव जी की पूजा करते हैं। 3 बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव की पूजा में जो भी फल फूल पत्र चढ़ाए जाते हैं उनका खास महत्व होता है। इसलिए बिल्व के मूल में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि बेल की पत्तियाँ कुछ खास दिन जो होते हैं उनमें नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे कि चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी और अमावस। इन दिनों में बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए शिवरात्रि के दिन ये पत्तियां ना तोड़ें। पूजन के लिए आप एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ सकते हैं। जी हाँ, बेलपत्र की ये विशेषता होती है कि ये कई दिनों तक पूजा में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये जल्दी पुराना नहीं होता। पूजा में एक बार चढ़ाने के बाद भी बेलपत्र को दोबारा धोकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेलपत्र शिवलिंग पर उल्टा करके चढ़ाइएगा और साथ में जल की धारा भी जरूर चढ़ाएं। पूजा के लिए बेलपत्र ना भी मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप बेलपत्र के जगह उस वृक्ष का दर्शन कर सकते हैं और उस वृक्ष के नीचे आप धूप दीप जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माता की असीम कृपा होती है। 5वां पौधा है आंकड़े का। आंकड़े का पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। इस पौधे के घर में होने से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मैंने भांग की बात करी, बिल्वपत्र की बात करी, अब एक और चमत्कारिक पौधे के बारे में बात करते हैं जिसके घर में होने से
भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। वो पौधा है धतूरे का। इसको लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसे पानी भी ज़्यादा नहीं देना होता। इसके फल फूल और इसके जो फल फूल होते हैं वो आयुर्वेदिक में बहुत काम आते हैं। धतूरे के फल और फूल महादेव जी को बहुत पसंद हैं, इसलिए सोमवार को जब भी आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करें तो धतूरे के सफ़ेद फूल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव की कृपा साथ में महालक्ष्मी माता की कृपा हम पे बरसने लगती है और सुख समृद्धि आती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये खास जानकारी पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक के बटन को दबाकर नीला कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय माता की, जय महादेव।